अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन बुधवार को होगा। इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। अयोध्या के चप्पे चप्पे को सजा दिया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, सभी सीमाओं को सील किया गया है, बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कोरोना संकट के कारण नियमों का ख्याल भी रखा जा रहा है। राम की नगरी में भूमि पूजन का अनुष्ठान रक्षाबंधन वाले दिन से शुरू हो चुका है, जिसकी पूर्णाहुति पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। पीएम मोदी बुधवार को अयोध्या में 2 घंटे 50 मिनट तक रुकेंगे। उनका हेलीकॉप्टर सुबह 11:30 बजे राम जन्मभूमि परिसर से 500 मीटर दूर साकेत कॉलेज परिसर में बने हेलीपैड पर उतरेगा। इसके बाद पीएम मोदी पहले से तय 12:15 पर पवित्र अभिजीत मुहूर्त में आधारशिला रखेंगे। इसमें 9 ईंटों का प्रयोग किया जाएगा, जो 5 दिशाओं 4 कोणों और स्थान देवता की परिचायक होंगी। इससे पूर्व करीब 10 मिनट तक पीएम मोदी राम जन्मभूमि स्थान वास्तु सहित आधारशिला में प्रयुक्त होने वाली ईंटों का पूजन करेंगे। कार्यक्रम के लिए 175 प्रतिष्ठित अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें 135 संत हैं। इसमें नेपाल के संत भी शामिल हैं। सूची बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के अलावा वरिष्ठ वकील के पराशरन का नाम भी इस लिस्ट में है।